आपको दिया हो एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। देखो 300 ml मिक्सचर में 50 लीटर पानी मिलाया गया, 50 ml पानी मिलाया गया, तो 350 ml हो गया ना। अब खुद सोचो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी दी हुई है, फाइनल रेशियो भी दिया हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5 और 2 7 5 35, तो ये हुआ कितना, 100 लीटर दूध है भैया और 250 लीटर पानी है। अब सुनना बड़ा ध्यान, बड़े ध्यान से, अब इसमें से जो मैंने 50 लीटर पानी मिलाया था ना, उसको वापस खींच डालो। लो जी, वापस खींच लिया, कितना पानी हुआ, 200, मिल्क कितना हुआ, 100, रेशियो कितना हुआ, 1:2, ये इनिशियल रेशियो आ गया। और जब इस रेशियो को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो एक्स का मान 2 आ जाएगा। बात समझ में आई मेरे रसगुल्लो?